नमस्कार मुई मीनाक्षी राय सरकार तुम्हारे सबके स्वागत जाना मोर यूट्यूब चैनल द कलरफुल लाइफ। आज तुम्हारे मुई एक रेसिपी शेयर करम और से इसले मासेर कारी इतना बहुत सहज भावे देखें तुम्हारे और आशा करूँ तुम्हारे बहुत भल लगे। तो भिडियो शेष अब्दि देखी थकें। तो मैं प्रथम मोर माँगुल्लो भलोक बासी नहीं आसूँ छावर बकुली सकुली इसे सबग फेले दिए चापा कर नहीं आसूँ। तो मोर माँ बेचा हो गलम ये तरह लवण और हल्दी दिए माखी नीम भलोक बाड़ी दीते बनाए खान बहुत टेस्टी है क्योंकि माँटा मध्य से ही भल पाँ और इगले बनार जो कि लगे कया दिए आसान जिरे गुड़े बाड़ी तो सवार थे हल्दी तरह धनिया गुड़े इगले साधारण थके अल्प गोटाल जिरे अल्प दालचिनी और एक लंग तुम्हारा चेले एलाची दे पाँ दुटे तेजपाता और स्वाद अनुसार लवण आए पागे दुटे छोटो छोटो पिंज कुटी निसम पिस पिस कर तीनटे गोटार मरुच काटे निसम और दुटे मीडियम सीजे आलू छोटो छोटो काटे निसम इसे बड़ो ना काटें और ये मैं आदा बाटा और रसुन बाटा बाटे निसम साथते मीडियम सीजे टमेटो और ये मैं कुची कुची कर काटे निसम टमेटोटा दिले कि अल्प मैंने टेगा टेगा लगे सारा बस भल लगे। तो मैं अला कड़ाइटा तुले दिलम यह प्रथम कड़ाइटा आलूगुल भाजे नीम आलू आलूगुल बसिक्षण भाजा ना लगे आलूगुल लवण हल्दी दिए जस्ट अल्प अल्प फ्राई कर निल कारण आप जो जल देव तक ये अटोमेटिक सिद्ध हो जाए तो अल्प फ्राई कर नीले भाया जाए आलूगुल फ्राई मोर भया गल मैं एलागुल तुले नीम तेलते माँगुलो भाजे नीम और माँगले माँ बसिक्षण भाजा ना लगे जस्ट अल्प लाल लाल हम एक कमला कमला रंग है क्योंकि ओटे हम तुम्हारा नामे नीन ना एकदम बहुत चैमरा हो जाए बसिक्षण भाजले हल्का भाजे नीन और बस तेल ना दे मुई तेलते मोर जो मसलागुल सबगल दिए दिन जिरे लंग दालचीनी तेजपात यो फ्राई कर नीम और ये दिए पिंज और मरीच ओगलो दिए दिन तो टमेटोगुलो दिए दिए दिन मुई टमेटोगुलो दिए जेमगुल आदा बाटा रसुन बाटा आई ओगुलो एटे दिए दिन तारपरे बाकी छोट मसला आछे जीरे गुड़े धनिया गुड़े हल्दी लवण मैं एगुलो एटे दिए हल्का सुंदर को फ्राई कर नहीं तो मैं फ्राई करिए ये अल्प खाना जल दिए दिन बसि ना अल्प दिए और अल्प भरपुर फ्राई कर आलू और माँगुले दुटा एटे दिए दिन दिए मैं अल्प फ्राई कर नीम बसिक्षण अलग फ्राई करिए तपर मई छतर सिद्धर जन जल देवा लगे दिए दिन
একবার তুলি দেখুন সিদ্ধটা কেমন হচ্ছে নাই। আর জলটা দিয়ে একদম জালটা কমে দিয়ে 15 মিনিট খানে মানে কী করবেন রাঁধবেন, সিদ্ধ হওয়ার জন্য রাখি দেবেন। আরও তো দেখলো এলা ভালো করে হয় নাই, আরও মুই ঢেকে দিলাম। এলা আরও আরও 5-7 মিনিট খানে রাখছিলাম, রাখার পরে এসে দেখলাম তো এলা সুন্দর গ্রেভি গ্রেভি একটা হয়ে গেছে, আর আলুগুলো সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে, একদম নরম হয়েছে, সফট হয়ে গেছে। তো এটি মোর প্রায় হয়ে গেল। তো এটি নিয়ে ঝোল না হয় অল্প গ্রেভির জন্য জাস্ট অল্প জল দিলাম, দিয়ে মাখামাখি করিয়ে এমন ইসলে মাছ এমন করে খেলে ভাল লাগে, বেশি ঝোল দিয়ে ভাল না লাগে। তো মই এটাই অল্প হয়ে গেল প্রায় এলা গরম মশলা দিয়ে দিন। তো মই গরম মশলা দিলে দিয়ে অল্প খালি ঘাটাঘাটি করিয়ে মোর আজির রেসিপিটি এটি শেষ হল। আর আশা করুন তোমরা ওগুলো দেখে বহুত ভালো লাগিল। তো যদি ভালো লাগে থাকে তো একটা লাইক করে দেন, সাথে কমেন্ট করে দেন, তোমরা ওগুলো চাইলে শেয়ারও করে পান। আর যদি তোমরা মোট চ্যানেল নতুন হচ্ছেন তো দয়া করে মোট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে উঠুন। আজের জন্য এতটুকু মুই আসিয়েছি আরও নতুন নতুন ফিডব্যাক।